हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने पैरों को नेचुरल तरीके से गोरा बना सकते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बना सकते हैं। चेहरे की तरह आप अपने पैरों को भी चमका सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने पैरों को अगर आप गोरा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों का यूज़ करेंगे एंड इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पैरों को बहुत ही तेज़ी से गोरा बना पाएंगे। इनफैक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप देखेंगे कि आपके जितने भी टैनिंग हो रखे थे, मैल जम रखे थे, वो सारी ही चीज़ें झड़ जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे एंड पैर बिल्कुल चमकदार बन जाएंगे। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए नींबू चाहिए ही चाहिए। बट फ्रेंड्स, अगर किसी भी रीजन से आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि हमारे पास नींबू नहीं है, हम इस रेमेडी को कैसे यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे एंड आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। इतने चमकदार हो जाएंगे आपके पैर, इतने ग्लोइंग हो जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नींबू। नींबू आपको सिर्फ एक मीडियम साइज़ का या फिर बड़ा साइज़ का ले लेना है, एक पूरा नींबू आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चेहरे के लिए हम ज़्यादा नींबू का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पैरों के लिए हम एक पूरा नींबू का यूज़ करेंगे। अब दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा राइस फ्लोर। चावल का जो आटा होता है वही हमें चाहिए। राइस फ्लोर नहीं है तो चावल को आप थोड़ा सा भिगो दीजिए एंड उसके बाद उससे पानी हटा दीजिए, फिर इसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काम चल जाएगा, बट राइस फ्लोर अगर आपके पास है तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। तीसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर। जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वही हल्दी पाउडर हमें चाहिए। हल्दी पाउडर हमारे फेस के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो चुटकी भर यूज़ करते हैं, बट पैरों के लिए लगभग हम आधा चम्मच के करीब यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों ही चीज़ें चाहिए होंगे इस रेमेडी को बनाने के लिए एंड ये तीनों ही चीज़ें बहुत इजीली मिल जाते हैं कोई भी ग्रोसरी स्टोर में। एंड नींबू अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर सिरका का यूज़ कर सकते हैं, विनेगर। ठीक है फ्रेंड्स, विनेगर आप एक चम्मच के करीब यूज़ कर लीजिएगा अगर नींबू अवेलेबल नहीं है तो। राइस फ्लोर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो लगभग 3 चम्मच के करीब ले रहे हैं एंड आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही हमारे स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने राइस फ्लोर एंड हल्दी पाउडर दोनों को ही डाल दिया है। राइस फ्लोर 3 चम्मच एंड हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। अब इस पर हम डालेंगे एक पूरा नींबू का रस। नींबू नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनेगर, वाइट विनेगर जो होता है वो 1 चम्मच यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। विनेगर या फिर नींबू के रस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है जो हमारे पैरों को तुरंत से इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग देने का काम करता है। ये हमारे पैरों को तुरंत से चमकाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि नींबू का रस तो हम अपने फेस के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पैरों के लिए हम ज़्यादा यूज़ कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पैरों के जो स्किन होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं, वो सेंसिटिव नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा मात्रा में नींबू के रस को भी डाल करके यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड अगला इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर डालेंगे दूध। कच्चा दूध अगर आपके पास है तो वो बेस्ट है, नहीं है तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं एंड वो भी नहीं है तो यहाँ पर सिंपल आप रोज़ वाटर आप डाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए एंड इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो रहा है ना, ये हमारे पैरों को तुरंत से चमकाने का काम करेगा। अगर आपके पैर बहुत ही ज़्यादा टैन हो रखे हैं, पैरों में कालापन आया हुआ है, तो वो सारे ही चीज़ों को ये हटाने का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लिक्विडी कंसिस्टेंसी में ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब अगला इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। जो खाने के लिए हम सोडा यूज़ करते हैं ना, वही सोडा हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे। चूँकि हमने इस पर सोडा डाला है इसलिए इसका टेक्स्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास सोडा अवेलेबल नहीं है तो आप इनो यूज़ कर लीजिए। इनो भी हमारे पैरों को तुरंत से साफ करने का काम करता है। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद रस के मदद से या फिर अपने हाथों की मदद से इसे पूरे पैर पर, आप चाहें तो हाथ पर भी लगा सकते हैं, इसे अच्छे से लगा लीजिए। जैसे हम फेस पैक लगाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको लगा लेना है एंड उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आपको लगे कि ये सेमी ड्राई हो चुके हैं, थोड़े बहुत सूख गए हैं, उसके बाद आपको नींबू के छिलके से रब करना है। अच्छे से आपको इसे
रगड़ना है। जब आप इससे रगड़ेंगे ना तो स्किन से सारी मैल एकदम एक परत हट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको अपने पैरों को साफ सुथरा एंड चमकदार गोरा बनाना है। तो इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नींबू के छिलके से अच्छे से आप पैरों को रब करना है एंड ये जो पेस्ट जो सेमी ड्राई हो गया था इसे अच्छे से हटा लेना है। फिर साफ पानी से धो लीजिए एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा ना आप देखते रह जाएंगे। पैर इतने साफ हो जाएंगे कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए एंड रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।